विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बार मेले के दौरान भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भिखारियों को कोयला वाला टोबा से आगे नहीं आने दिया जाएगा। अश्विन नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में इस बार मेले के दौरान भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भिखारियों को कोला वाला टोबा से आगे नहीं आने दिया जाएगा। अश्विन नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को लाइनों में LED के माध्यम से भी माता जी के दर्शन होते रहेंगे और इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रारूप तैयार कर लिया है। ये बात जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंदिर न्यास के भवन मातृ आंचल में अश्विन नवरात्रों की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के उपरांत कही। इससे पहले मंदिर न्यास के भवन मातृ आंचल में जिला प्रशासन की और मंदिर न्यास की मेला प्रबंधों को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल की और इस बैठक में विशेष रूप से जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा भी मौजूद रही। 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अश्विनी मेले के इस बैठक के उपरांत राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों को बताया कि मेले के दौरान इस बार भी मंदिर न्यास और जिला प्रशासन बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के वचनबद्ध है और बाहर प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जबकि इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। कोलावाला टोबा सीमा से आगे हिमाचल प्रदेश के बड़े वाहनों मालवाहक वाहनों का आना प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो भी ट्रैक्टर ट्रक टेम्पो सवारियां लेकर आते हैं वे हिमाचल सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोलावाला टोबा में ही रोक दिया जाएगा। यात्री हिमाचल प्रदेश सीमा में बसों के द्वारा और छोटी गाड़ियां के माध्यम से पहुंचेंगे। इसके अलावा मंदिर के अंदर कड़ा प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। अश्विन मेलों के दौरान SDM स्वर्गार्थ सुभाष गौतम को मेला अधिकारी तथा DSP संजय शर्मा नैना देवी जी को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार सहायक मेला अधिकारी होंगे। जिलाधीश ने बताया कि मेले के दौरान माता के दर्शन के लिए मुख्य मंदिर सुबह 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मात्र 2 घंटे के लिए आरती के लिए मंदिर बंद होगा और श्रद्धालुओं को 22 घंटे माता के दर्शन नवरात्र के दौरान होते रहेंगे। इस बार एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को LED के माध्यम से भी माता के दर्शन करवाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रारूप तैयार कर लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को रास्ते में भी माता के दर्शन होते रहें और आराम से जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करें। इस मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 600 से ज्यादा होमगार्ड पुलिसकर्मी एक्स सर्विसमैन फौजी तैनात किए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार के पास DFMD गेट तैनात किए जाएंगे और मेटल डिटेक्टर के द्वारा श्रद्धालुओं के सामान की चेकिंग की जाएगी, जबकि इस बार की सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए नगर परिषद को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधीश बिलासपुर ने बताया कि ज्यादा भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को छोटे छोटे समूहों में मंदिर में भेजा जाएगा, ताकि माता के दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मेले के दौरान खाद्य वस्तुओं का पूर्ण भंडारण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किए जाने वाले स्वास्थ्य सहायता कक्षों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण उपकरणों की उपलब्धता करवाने के लिए समयबद्ध सूची भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त चिकित्सक फार्मासिस्ट की तैनाती को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने मेले के दौरान पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए IPH विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा श्री नैना देवी जी में अश्विन मेला 2019 जो कि 29 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जिसका आयोजन किया जाना है और जिसमें पूरे देश से जो हैं श्रद्धालु आते हैं, उसके इंतज़ामों से संबंधित एक बैठक का जो है आयोजन किया गया श्री नैना देवी जी में, और इसमें जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं उनके आला अधिकारी उसमें बैठक में उपस्थित थे।
और अभी पिछला अगस्त के महीने में जैसा बड़ा सफलतापूर्वक यहाँ पर हमारा जो श्रावण का जो है मेला उसका आयोजन किया गया, उसमें जो भी हमें डीब्रीफिंग की गई उसके विषय में और जो भी अच्छे पॉइंट्स उसमें आगे उजागर किए गए विभागों द्वारा, और जो गत वर्ष जो हमारे आयोजन होता था उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सभी का समावेश करते हुए आज बड़ी विस्तृत चर्चा की गई। और गत वर्षों की भांति इस बार भी जो है जो नवरात्रों के जो हमारे मेला होते हैं उसमें जो हमारे एसडीएम श्री नैना देवी जी जो कि अध्यक्ष भी हैं मंदिर न्यास के, वो मेला अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है, और जो हमारे तहसीलदार और जो मंदिर अधिकारी हैं वो सहायक मेला अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय वो पुलिस अधीक्षक हैं वो मेला पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। और मेला जो क्षेत्र है इसको 9 सेक्टर्स में हर वर्ष की भांति हर मेला की भांति जो है विभाजित किया गया, जिसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो ड्यूटी देंगे। और पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जो है पार्किंग स्थल जो है उनका उनको चिन्हित किया गया है। जहाँ तक चिकित्सा सुविधा की बात है तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है या आयुर्वेदा विभाग है कि पूरी जो सुविधाएं जो हैं 24 घंटे वो प्रदान करेंगे श्रद्धालुओं को स्थानीय नागरिकों को। और हमारी 4 एम्बुलेंसेस और 5 हमारे जो है मेडिकल असिस्टेंस बूथ जो हैं वो यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करेंगे। सफाई व्यवस्था के ऊपर विशेष जो है ध्यान हम देने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि उस दौरान में पूरे देश में जो है 2 अक्टूबर को एक स्वच्छता अभियान जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान जो है उसका भी लॉन्च हो रहा है, तो उसके साथ साथ इसी समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो है स्वच्छता का जो है उच्चतम जो है उसका हम स्टैंडर्ड रखें। और जहाँ तक मंदिर न्यास की जो बैठक है इससे अध्यक्ष जो है मंदिर न्यास के और हमारे 16 ट्रस्टीज जो हैं उसमें टोटल 16 प्लस 3 19 जो है हमारे सदस्य और पदाधिकारी हैं, तो आज बैठक की गई और काफ़ी अधिक संख्या में जो है हमारे जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन्होंने बैठक में भाग लिया। और इससे पहले हमारा इस बैठक में एसडीएम मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम, मंदिर अधिकारी हुसैन चंद, मंदिर न्यास के सहायक अभियंता प्रेम शर्मा और नगर परिषद अध्यक्ष मनीष शर्मा, अन्य अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।